मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिजिकल एजुकेशन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन, वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आगामी परीक्षाएं जस्टेट है, NVS वगैरह है, हरियाणा के TGT PGT का स्क्रीनिंग है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जल की कितनी अवस्थाएँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जल जो होता है हमारा पानी होता है, पानी स्वतंत्र रूप से मिलता है। पानी का जो फार्मूला है H2O इसका फॉर्मूला है। और पानी हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस हमें बर्फ के रूप में मिलता है, गैस जो वाष्प बन के उसमें उड़ता है, और जो द्रव्य है वो हमें सामान्य जो पानी हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। किसी देश की विकास किस पर निर्भर करता है? अब जैसे हम भारत में रहने वाले हैं तो भारत का विकास, या हरियाणा में रहने वाले हरियाणा का विकास किस पर, तो स्वस्थ जो व्यक्ति हैं, स्वस्थ जो समाज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा विकास कहाँ तक जाएगा। अगर मान लीजिए हमारी जो जनसंख्या है वो पूर्ण रूप से बीमार रहेगी, तो हमारा जो खर्चा, जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सारी ही जो हमारी जनता के ऊपर, जो पब्लिक के ऊपर है, उनके ऊपर, इलाज के ऊपर ले जाएगी। इसलिए प्रकार से कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी देश के विकास। अगला क्वेश्चन हमारा, हरी पत्तेदार सब्जी से कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जी में विटामिन ए हमें पाया जाता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी हमें खानी चाहिए। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, और विटामिन सी आवृत तथा खट्टी पदार्थ चीज़ों से मिलता है। पानी किन दो तत्वों से मिलता है भाई? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है भाई, ठीक है, वो से मिलता है। तो जो पानी का जो सूत्र होता है H2O है। पानी की कितनी अवस्था होती है? पानी की तीन अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती है? जो पब्लिक होने पर था ऊपर जो क्वेश्चन था, पानी की तीन अवस्था होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। ठोस हमें बर्फ के रूप में मिलती है, गैस हमें वाष्प के रूप में मिलते हैं, तो द्रव्य हमें लिक्विड के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी की हम बात करें तो पहला 1928 में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में भारत ने पहला हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। आखिरी गोल्ड मेडल भारत ने 1980 में जीता था। अब क्वेश्चन CET में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जो गेम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भारत ने गोल्ड जीते हैं, तो हॉकी एक ऐसा पदक जीते हैं, तो हॉकी एक ऐसा खेल है। 1980 के बाद 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में इसका जो गेम है, इस गेम में भारत ने कांस्य पदक जीता, कितने साल बाद? 41 साल के बाद। इसके राष्ट्रीय खेल दिवस के मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भाई क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 29 अगस्त को मनाया जाता है भाई, और इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। अगला खेल है राष्ट्रीय एशियाई खेलों कहाँ हुए थे, तो 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। और अब बात करें 1981 के बाद में बाहर एशियाई के जो पहले गेम थे, प्रथम गेम थे, उनका आयोजन कहाँ किया गया था भाई? उनका आयोजन भी 1951 में दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ये देखो खेल से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था भाई? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें आपसे कि राष्ट्रगान का जो है कितने समय में गाना चाहिए? 48 से 52 सेकंड में राष्ट्रगान को पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जो ध्वज, हमारा जो झंडा है, वो किसके कितने रंग होते हैं? उसके भाई तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया यहाँ होता है, इसमें केसरिया रंग वाइट है, नीचे वाला रंग, बीच में भाई एक चक्कर होता है, जिसे चक्कर के नाम से बोलते हैं। कितने तिलियाँ होती हैं उसमें? 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक है। ये था भाई भारत का जो झंडे के बारे में हम डिस्कस किया, हमें बताएं। और अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का जो विषाणु है, वे जो वायरस है किसके द्वारा फैलता है? कोरोना वायरस का जो वायरस है विषाणु, वे भाई इसको कहते हैं SARS
CoV-2 के नाम से CoV-2 को कोविड होता है के नाम से जाना जाता है और COVID-19 के नाम से जाना जाता है। इससे पूरे विश्व में एक महामारी का रूप धारण कर लिया था कोरोना वायरस ने। गुर्दे किस संस्थान का अंग होते हैं? गुर्दे मल उत्सर्जन संस्थान का एक अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक गैस रस क्या होता है? गैस्ट्रिक जो रस है वो क्या है और इसका क्या कार्य है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं एक ऐसे क्वेश्चन। आमाशय में उत्पन्न होने वाले रस को जो भोजन पचाने में कार्य करता है उसे गैस्ट्रिक या रस या आमाशय से तुरंत पचाने का कार्य करता है। दौड़े कितने प्रकार की होती है? दौड़े होती है 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दौड़े होती हैं 5 प्रकार की होती हैं? छोटी दूरी की दौड़े 100 तथा 200 मीटर की स्प्रिंटर, ठीक है, मध्यम दौड़े हैं और उसके बाद हैं रिले रिले के बाद हैं बांधा दौड़ और लंबी दूरी की दौड़े। ये 5 प्रकार की जो दौड़े होते हैं जो हमें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीय ओलंपिक्स में कब कांस्य पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के और 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भारत ने एकमात्र एक ही पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति है। अब हम बात करें हाल ही में 2022 की बात कम कर रहे हैं, इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने इसमें वेट लिफ्टिंग में या भारोत्तोलन में पदक जीता था। अब इसी के साथ हम बात करें कि कर्णम मल्लेश्वरी के साथ साथ मीराबाई चानू ने 2021 के ओलंपिक में टोक्यो में भारत के लिए रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और ये 21 साल के बाद दूसरा पदक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और कर्णम मल्लेश्वरी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कर्णम मल्लेश्वरी एक भारत की अच्छी प्रेयस रही जिन्हें एकमात्र पदक जीती सिडनी ओलंपिक्स में, भारत की लाज रख ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों का कद कितनी आयु तक बढ़ता है? 16 से 17 साल की आयु में लड़कियों की आयु बढ़ती है। एक और क्वेश्चन है, किस अवस्था में जो लड़कियां हैं लड़कों की से मजबूत होती हैं तो किस और अवस्था में लड़कियां लड़कों से मजबूत होती हैं? अगला क्वेश्चन है, वायु के द्वारा का जो वायु का प्राकृतिक शोधन होता है वर्षा के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा तथा सूर्य पौधों के द्वारा होता है, उपरोक्त सभी इसका माना जाता है। निम्न शिक्षा हमें स्वस्थ रहने का ज्ञान देती हैं, कौन सी शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक एजुकेशन से वे हमें स्वस्थ रहने का ज्ञान प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी का जो भाग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में कितनी वसा लेनी चाहिए? भाई वसा का मध्य 50 से 70 ग्राम के मध्य वसा लेने बहुत ही अनिवार्य होते हैं एक व्यक्ति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए बी दोनों ही पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। और क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई थी और 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में भाग लिया। वैसे तो 1900 में लिया था भारत ने, एक एंग्लो इंडियन था उसने लिया था, परंतु 1928 में भारत ने भाग लिया था, हॉकी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। अब हम बात करते हैं आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से, क्वेश्चन नंबर 31 का है ये क्वेश्चन हमारा, ये संबंध हॉकी से है। भारत का सर्वाधिक शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र सेना में दिया जाता है, परमवीर चक्र जो सेना में दिया जाता है। खेल का सबसे बड़ा जो ये था शौर्य चक्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेल का सबसे बड़ा जो पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से शुरुआत की गई थी और हॉकी में पदक आने के बाद में और पहली बार 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया था। अब हम बात करें 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया, मात्र शरद कमल को जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, एकमात्र खिलाड़ी जी ने ये पदक दिया गया था। ये क्वेश्चन पक्का याद कर लो, पक्का आने की संभावनाएं हैं। अब क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। अगर भारत के जो सफ़ेद राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी में नीले चक्कर में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, चक्कर होता है उस पट्टी में जो ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो 24 तिल्लियाँ, सब जो चक्कर में 24 तिल्लियाँ होती हैं, नीले रंग की होती हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक अक्षमता कितने प्रकार की होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यकृत किस मानवीय संस्थान का अंग माना जाता है, तो पाचन तंत्र का ये अंग माना जाता है। एक वैश्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एक वैश्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। मांसपेशियां शरीर को बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं, मांसपेशियां सुंदर सबने शरीर को सुंदर बनाती हैं। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी होते हैं, रिले दौड़ में 4 खिलाड़ी होते हैं। रिले कितने प्रकार की होती है, 100 गुणा में 4 है। रिले भी बहुत होती है हमारी, और 4 प्लेयर होते हैं। कूद कितने प्रकार के होते हैं, जो कूद होते हैं 3 प्रकार की कूद होती है। ये थे फिजिकल एजुकेशन के बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो इस भाग के क्वेश्चन हमने किए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम क्या करें, अगला जो टॉपिक रहेगा।